बड़ी खबर मिल रही है जहां नई आबकारी नीति पर शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का बयान है, शराबबंदी से शराब माफिया हावी होगा, शराब माफियाओं के आगे क्या बेबस है सरकार, ये बड़ा सवाल है। शराबबंदी होने से जो शराब माफिया है वो सक्रिय हो जाते हैं, तो ऐसे में शराबों की कीमत घटाने पर नई आबकारी नीति के तहत जो बदलाव हुए हैं उस पर शिक्षा मंत्री का कहना है। तो शराब माफियाओं को शराब के आवेदन आवंटन होते हैं, ठेकों के आवेदन आवंटन होते हैं, और निश्चित ही हमारी सरकार शराब के काम को 100% बंद करती है। लेकिन अभी यह सरकार इसलिए काम नहीं कर सकती क्योंकि जो माफिया गर्द लोग हैं जिस काम का नंबर दो के तरीके से करते हैं वो कहीं ना कहीं प्रदेश को गलत दिशा में भटका सकते हैं। इस नाते अभी करारा प्रहार जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट बहुत सख्ती के साथ शराब की दुकानों का आवंटन किया जा रहा है। तो शिक्षा मंत्री को सुना आपने, जहां कहते हैं शिक्षा शराब की दुकानों के लाइसेंस का आवंटन सख्ती से किया जाएगा, लेकिन नई आबकारी नीति में शराब की कीमतों से लगाए लाइसेंस को लेकर अच्छी खासी छूट नजर आती है। ऐसे में कई बार ये सवाल किया जा रहा है कि शराब को लेकर इतनी छूट क्यों, तो इस पर शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जहां कहीं भी शिकंजा कसा गया है, शराब को रोकने की कोशिश की गई है, वहां माफिया सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन शराब माफिया को रोकने के लिए ही तो तमाम तंत्र है, तमाम व्यवस्थाएं हैं, क्या वो व्यवस्थाओं पर विश्वास नहीं है, ये बड़ा सवाल है। उन तंत्र पे क्या कंट्रोल नहीं हो सकता है, ऐसे तो हर राज्य के लिए क्या यही एक तरीका है कि नई आबकारी नीति के बाद ये सवाल बार बार पूछा भी जा रहा है कि शराब सस्ती हो गई, लाइसेंस में भी कई तरह के आसानी को देखा जा रहा है।